है देखकर मेरी परछाई. सलमान ने मुझे देखकर ही सेहत है बनाई. किंग कॉन्ग का ताया हूँ, खली का बड़ा भाई. पिछले 4 साल से हर जोड़ी मुझे ऐसा ही नाम देती आई. इसलिए आज मैं श्राप देती हूँ कि यहाँ हर किसी का जेंडर चेंज होगा, यानी कि लड़का लड़की और लड़की लड़का बन जाएगा. देखा मेरा श्राप, मैंने रोशनी को विनय पाठक बना दिया. अर्चना जी, मैं विनय ही हूँ. अरे मैं क्यों मान लूं कि मेरा श्राप फेल हो गया और तुम रोशनी नहीं विनय हो? मैं विनय ही हूँ. अपनी अगली फिल्म तेरे मेरे फेरे के प्रमोशन के लिए आपसे और जनता से आशीर्वाद लेने आया हूँ. नहीं नहीं नहीं, सबूत दो कि तुम रोशनी नहीं विनय पाठक हो. तुम अपनी फिल्म के बारे में बताओ, अगर तुम प्रमोशन करने आए हो तो बोलो. अच्छा, पहला सबूत तो और शादी के बाद कैसे मर्द औरत एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, इस बारे में है ये फिल्म. अरे भाई, इतना बता दिया इस आने वाली फिल्म के बारे में तो मानना ही पड़ेगा कि आप विनय हैं. वेलकम विनय बैक टू कॉमेडी सर्कस. थैंक यू, थैंक यू. अब अपनी अपनी सीट पकड़ते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जोड़ियों पर मेरा श्राप जरूर फूटेगा, है ना? और नहीं तो हम फोड़ देंगे. हाँ फोड़ेंगे, आओ चलो फोड़ते हैं. आइए. Presents Comedy Circus ka Naya Daur. Very big round of applause for Archana, Vinay and our charming judge Sohail Khan. Aaj ke episode ki theme to aapko Archana ne bata hi di hai. Gender change. Aaj tak audience ko hasati rahi jodiya hamari. Aaj audience ki hai bari. Isliye aaj is manch par audience mein se aa rahi hain do mahilaen pyari. Please welcome Krishna and Sudesh as girls from the Comedy Circus audience. Kaire! Chala chundi kai ko kata tu idhar? Aur Sohail kaise hai tum? ऐसा आग काहे को मलता है? तो आज तुम्हारे लिए मेकअप किए मैं. लिपस्टिक भी तुम्हारे लिए लगाई है मैंने, कड़वी वाली. क्योंकि जो मेरे को तुमने वादे किए हैं ना, अगर वो पूरे नहीं हुए तो आज उल्टा मैच पप्पी ले डालूंगी बोलती हूँ मैं. कैसी अर्चना? हाँ ठीक हूँ. अर्चना और हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है. बिल्कुल नहीं. ये भी हाउस वाइफ है और मैं भी. तीन लोगों के यहाँ. हम गरीब लोगों के लिए किसी के भी घर पे जगह नहीं है. सब लोग होटल लेके जाते. और बीनू, बीनू कैसे है तू? जी अच्छा हूँ. पिक्चर का प्रमोशन पे आया क्या? जी जी जी. क्यों ठीक नहीं बनी क्या? बीनू के बारे में एक बात बोलती है मैं. वीनू बहुत अच्छा आर्टिस्ट है. बहुत अच्छा आर्टिस्ट है. मतलब मैं तुमको एक सलाह देती है, पता क्या है? टाइटल सही नहीं रहता आपका पिक्चर का. अब जैसे चलो दिल्ली था, उसका टाइटल भेजा फ्राई होना चाहिए. बुरा मत मानना. बिल्कुल. आई एम जस्ट सीरियस. अभी तुम्हारा जो पिक्चर आ रहे ना, कौन से टेढ़े मेढ़े पेड़े, कौन सा? क्या नाम क्या है पिक्चर का? तेरे मेरे फेरे है. हाँ वही तो, टेढ़े मेढ़े पेड़े. वो पिक्चर तुम्हारा हिट होएगा मैं बोलती हूँ, जोरदार ताली बजाओ भी. मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें रिया सेन है. और बंगाली लोग का आजकल बहुत चल रहा है, जैसे बिपाशा विपाशा ये लोग. देखो ना, हमारा बंगाल ने हिंदुस्तान को क्या कुछ नहीं दिया अर्चना जी. सत्यजीत रे दिया, सौरभ गांगुली दिया, भप्पी दा दिया, मिथुन दा दिया, मुनमुन सेन दिया, और रिया सेन तो दिया ही दिया. कृष्णा, ओ माय गॉड, मैं एक बात कहूं? ऐसे डर मत. पता नहीं सुदेश आने के बाद तेरे कितने कम होंगे. मैं तेरे को अभी से दे रहा हूं. ये
एक बात बोलूं, ये डर गया कि पोल ना खोल दूं। माय गॉड, माधुरी मेरी दोस्त है, माधुरी अभी तक आए नहीं, पता नहीं किधर है। हेलो ए माधुरी, ए ओह माय गॉड, पूरे पहाड़ के से तेरे की बकवास सुन रही है हम लोग। ये माधुरी सुनना, तू शूटिंग पे लेट काहे को आई रे? तुम्हें बताया लड़की बनना था ना? हाँ। मैं शेव करने में टाइम लग गया। एक तो ऑटो पे आई। अच्छा क्या करूं, मेरा लोन ही पास नहीं और अभी तक साइकिल नहीं लिया मैंने। ओ माय गॉड, ऑटो वाला कहता पैसे दो या किस दो, मेरे पास पैसे नहीं थे। ओ माय गॉड, तो तूने क्या किया? मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कान के नीचे दो किस दे दी, 400 लेके आई। क्या बात कर रही है? इनको बता। हाँ? मैं यहाँ ना, इनको पता नहीं, इज्जत नहीं की मेरी। क्यों? मैं ऑडियंस में नहीं हूँ ना। तू ऑडियंस में नहीं है तो क्या जज बनने आई है तू? मेरा मतलब मैं यहाँ पे अभी न्यूड हूँ ना। साली न्यूड नहीं होता, न्यू होता है न्यू। वही वही न्यूड तो तू बाद में होगी, जब तुझे कमेंट्स मिलेंगे ना तब तू न्यूड होगी। ये स्मार्ट सा कौन है? ये अर्चना है मेरे पास। असली? अरे बिल्कुल असली है, देखना हंस रही है, ऐसा उंगली देख हिला रही है। देख अभी पास से देख, अभी खाने को नहीं मिलेगा ना तो माइक खा जाएगी झटके से। असली है ये विनी। माय गॉड, तू विनू को जानती है? हाय हाय विनी, इन्हें कौन जानता है। हाँ, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इंडस्ट्री में मैंने बड़े बड़े हलवाई देखे। बड़े बड़े लोग जलेबियां बना सकते, लेकिन आप जैसा एक्टर नहीं देखा मेरी। सच्ची बोल रही हूँ। क्या बात करती है, सुन। देख, स्टार लोग से ऐसे बात नहीं करने का। सॉरी विनय, सॉरी। नहीं नहीं, विनय को तुम कुछ भी बोल सकती हो, मैं सोहेल खान की बात कर रही हूँ। ये नहीं समझ आई। हाँ? ये कब से जज करने लगा? पता चलते ही बता दूंगी। ये जज किधर कर रहा है? पिछले एपिसोड में बोला था ना, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है तू शो को जज करने की। पहले बोलने का था ना, किसी और को लाते हम लोग। पता क्या है? हाँ। मेरा ब्रेकअप हो गया सातों बॉयफ्रेंड के साथ। माय गॉड, सातों के साथ एक ही रात में ब्रेकअप हो गया? एक ही रात में इन सातों ने मुझे आठवें के साथ पकड़ लिया। माय गॉड, फिर तेरे को तो बहुत मारे रहेंगे ना वो लोग। अरे 5-7 दोस्तों से और यही लातों वातों से मेरा क्या बनता है। अरे ए, सुन, तेरा है कोई बताना मेरे पास? है मेरे पास। हाँ। पता है वो पलंबर है, पलंबर। अभी उसके साथ मैं डेट पर गई थी, कपासवाड़ी में नल्ला पाया खाया हमने, बहुत मजा किया। हाँ। उसके बाद मैं होटल में लेके गई उसको। मैंने बोला अब काम खत्म करके सो जाते हैं। हाँ। तो साला पलंबर टूटी ठीक करके खुद सो गया वहां पर। क्या हो गया, क्या हुआ? ये बाल बाल निकाल दिए ना। कौन सी आंख में गया है? नहीं, नाक में। गंदी, एक तो ऐसी शक्ल है तेरी, ऊपर से गंदी बातें भी करती है तू। आजकल तू शो भी बहुत कर रही होगी ना? अरे मैं अमित जी का शो कर रही हूँ। अमित जी नहीं, उसके साथ नहीं आते थे जो राम जी जी। अच्छा अच्छा। ओ इंडियाज गॉट टॉयलेट। हाँ, जी का। मजा बहुत आता रहेगा ना तेरे को। बड़ा मजा। हाँ। वो धर्म जी यहाँ बैठते ना। हाँ। मेरी पास ही कुर्सी होती, पिला देते थोड़ी थोड़ी हमको भी। क्या बात कर रही है? तेरा फोन बज रहा है। हाँ, साइलेंट पे है ना। हाँ। इसलिए तूने सुन लिया, मैंने नहीं सुना। हेलो। हाँ मम्मी। मम्मी क्यों फिक्र करती हूँ, मैं ऐसी हूँ क्या? मैं ऐसा जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करूंगी जिससे लोग तुम्हें कहें तुम्हारी बेटी कहाँ से मुंह गोरा करवा के आई है। मम्मी सुबह 6 बजे पैकअप हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी। हाँ वही कॉमेडी सर्कस, सुबह 6 बजे आ जाऊंगी। एक बात बताती हूँ तेरे को, तू नहीं है ना, ये सुरेंद्र के मुँह मत लगना। सोहेल जी की तरह ये भी नहीं लगने देता। अरे सुन, ये बहुत बड़ा छोड़ू आदमी है। इतना बड़ा छोड़ू है, पैकअप के बाद रोज मुझे नाके पे जाके छोड़ता है। हाँ, ये तो साला कल छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने बोला छोड़, तब जाके छोड़ा इस्तेमाल। सुन, तू उससे बोलना
क्या मैं वहां बैठती हूँ मेरी तरफ ना देखा मेरा ना गंदा सा मूड खराब होता है इसके देखा। अच्छा तभी तो इधर बैठने का 200 मिलता है और इधर बैठने का 1000 क्योंकि ये इधर बैठा रहता है साला। ये लड़कियों को छेड़ते ऐसे कहते धागी त्रिकट आ धागी त्रिकट आ धागी त्रिकट आ ये वो ओ देख अभी भी कर रहे लाए। अरे तभी चमेली ने इसको गोवा थूक के मारा था उस दिन इधर। माय गॉड ये एक चलोगे एक चलोगे अरे मजे से बैठे रहते हैं जज लोग और परफॉर्मर लोग हमारा दुख कोई समझता ही नहीं है। पता है बेचारी को बवासीर है फिर भी बेचारी 6-6 घंटा इधर बैठी रहती है हमारे। ए बाबा रो मत सिर इधर रख। ए ऑडियंस में साइलेंस रखो ऑडियंस में साइलेंस। हे ये कौन है? ये बहुत बड़ा गांडा है। अरे कौन है? यही है साला जिसकी वजह से 6-6 बजे पैकअप होता है हम लोग का। अरे मन तो करता है फत्तर फेंक के मारू फत्तर। मालूम है जब भी खाने पे आओ ना इधर ऑप्टिमिस्टिक मिस्टेक है बहुत बड़ा ये। ऑप्टिमिस्टिक जब भी इधर आओ ना खाने में जब देखो तवा फुलाओ तवा फुलाओ। अरे कभी कभी फाव भाजी भी खिलाया करो हमको रे। इधर मैं बताऊं तेरे को। ऐसा करते हैं हम ये छोड़ देते टीवी वाले हम विनय जी के साथ फिल्मों में चलते हैं। अबे नहीं रे बाबा फिल्मों में नहीं टीवी में तो फिर भी तवा फुलाओ देते हैं फिल्मों में तो पेट फुलाओ देते। ऐसी बात नहीं वो गैस वाला खाना देती है तो पेट फूलेगा ही फिर। माय गॉड कवर अच्छा कर लेती है ताली। अरे एक चलोगे एक चलोगे देख। हाँ 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 अबे हंस कर रही है वो भूतनी चोपड़ा आई है अभी स्टेज पर। अच्छा अभी वो देख वो देख वो देख 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 ठाकुर का एक चालू हो गया तो फिर बाथरूम चले। चलो नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट। हे ये क्या कर रही है? देख ये जब स्टेज पर आता है ना ठाकुर इसके तो पंच फूटते नहीं अखरोट तो फोड़ लूं मैं कभी। मेरे को ना कपिल बहुत अच्छा लगता है। अरे उससे शादी मत करना। क्यों? वो सिर्फ पंच ही फोड़ सकता है कुछ नहीं करता। देख एक बात बताऊं मैं चाहे कपिल है ठाकुर है जितने सब फुकरे लोग आते हैं ना मैं बोलूं एक बात कृष्णा इज द बेस्ट। मैं खुद उसको बड़ा लाइक करती हूँ। अच्छा बेशक वो सुदेश की वजह से चल रहा है लेकिन आई लव कृष्णा। अरे सुदेश में वैरायटी बहुत है। अच्छा रोज अलग अलग कच्चे पहन के आता है ना वो मालूम। कच्चे देखा कर तेरे को मालूम है कृष्णा रोहित शेट्टी की अगली पिक्चर कर रहा है बोल बच्चन। इसमें क्या है मैंने तो पहले कहा था वो जज ठीक नहीं है। चुन लिया ना कृष्णा को। अरे पहले तो सुदेश को लेने वाला था। अच्छा हाँ सुदेश ने मना कर दिया कहते नहीं अजय देवगन तुम्हारा दोस्त है उसी को लो उसको बुरा लगेगा। हाँ सुदेश का क्या है वो तो कहीं भी धक्के खा लेगा। देख ऐसी बात नहीं कृष्णा सच में बहुत अच्छा परफॉर्मर है। ठीक है लोग कुछ लोग तालियां सुंदर है ना वैसे कला कुला तो सुदेश में ही सब कुछ। अपने आप को क्या है कुछ नहीं है मुझे तो घटिया लगता है मेरा दिल करता है स्टेज पे जाके मुंह पे मारू थप्पड़। लेकिन ये जो पीछे बोलते हैं गांडा अंकल ये ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए ऑडियंस की। सही बात है अगर ऑडियंस नहीं होगी तो तुम्हारा शो खाक चलेगा। हाँ हमारी वजह से तालियां बजाओ हम आपका शो हिट करते हैं। सही बात है पहले। Oh my God, that was just fantastic, Archana. And one more thing. A wonderful tribute to our audience in the studio. Ek baar apne liye zordar taaliyan. Krishna, you are the most amazing talented performer I have ever had the pleasure of judging. You are beyond judging now, really. And Sudesh,
इतनी क्यूट बदसूरत मैंने आज पहले देखी। ये आज हमने जो स्टेज पे देखा, जो पुराने जमाने में नहीं, जो 60s 70s में जो क्लासिक हिंदी फिल्में, मसाला फिल्में बनती थी, व्हाट वी ऑल्स टू एंजॉय, क्या 3 घंटे जाके मजा करेंगे, योर एक्ट वाज दैट यार। थैंक यू, आप ही बचे हैं, अब आप ही तारीफों के पुल बांध ही दीजिए। मैं ये कह रहा था कि आगे अगर आपके गैंग में अगर थोड़ी जगह होगी तो मुझे भी बुला लीजिएगा। मैं कृष्णा, एक बात तो मैंने सीख ली है, जज की हैसियत से आऊं या नहीं आऊं, लेकिन पिक्चर को प्रमोट नहीं करने आऊंगा। Welcome Rajiv as Chandramukhi and Suganda as various characters. Sat Sri Akal Archana. Sat Sri Akal ji. Main hu Chandramukhi कौर सिद्धू। लग रही हो अर्चना बहन। खुश हो रही हो बहन सुन के? बहुत। आज जेंडर चेंज है इसलिए। अर्ज किया है, कपिल के पॉज पे भी देते हो ठहाका, वाह 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 वाह, हम पंच भी मारे तो हंसते नहीं। सोहेल कभी झांक के देखो मेरे गिरे बान में भी, हमारे भी संतरे सस्ते नहीं। सोहेल कब से इंतजार कर रही हूँ अपने देव बाबू का, 6 महीने हो गए लेकिन मेरे देव बाबू नहीं आए। खैर, आज मैंने ये सोच के रखा है कि अगर ये दिया बुझने से पहले देव नहीं आए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हो गई तुम्हारी, हो गई, हो गई। कौन है आप? Everybody, I am Usha Uthur. I'm so sorry. मैंने पहचाना नहीं, बिंदी के पीछे एक्चुअली थी ना। आप अंदर आ जाइए ना, बिंदी के पीछे को खड़ी आ जाइए। सुरेंद्र पहचाना, इनको पहचाना, ये वही है जो मेले में ना खाली समय में जाके अपनी बिंदी पे निशाने लगवाती हैं। बकवास बंद करो, तुम्हें उषा उत्थप से बात करने की तमीज नहीं है। सॉरी। वैसे एक बात बताइए, आज जेंडर चेंज था, आप जेंडर क्यों नहीं चेंज करके आई? हाँ तो मैं जेंडर चेंज ही करके आई हूँ, और क्या। लेकिन हमें ऐसा मतलब वो मर्द नहीं चाहिए, हमें असली मर्द चाहिए जैसे सुरेंद्र। पता है फौज में भर्ती हो गया था, वहां जाकर ना अपने सीनियर को कहता, बाजी ए बंदूक का मुंह मैंने दुश्मन की तरफ करना कि अपनी तरफ। आगे से इसका सीनियर कहता जिधर मर्जी कर ले, फायदा देश को ही होना है। रोक लो मेरा जनाजा, जान मेरी सूखने वाली है। वाह 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 वाह, तुझे कोई पंच आता है तो बोल दे, अर्चना पक्के उठने वाली है। उसका टाइम हो गया है। प्लीज आप जाइए, जितनी जोर से आप बोल रही हैं यहाँ से दार्जिलिंग के लोगों को सुन जाएगा। आप जाइए। रोशनी, तुम्हारे होंठ बहुत बड़े हैं, इन्हें जमीन पे मत रखिएगा, लोग कालीन समझ के चढ़ जाएंगे। महफिल जमी हुई है तो एक अर्ज करती हूँ। सालों इधर बैठ के कभी कृष्णा कभी इरशाद करते हो, कभी ठाकुर भी किया करो। IPL छोड़ दो, धर्म कहते हैं बादल छोड़ दो। और अर्चना कह रही है कि अगर तूने ऐसे ही करना तो ये एक्ट यहीं पे छोड़ दे। देखिए, बॉडी से देव लग रहा है और मुंह के पुलपुलेपन से देव आनंद लग रहा है। पहला शाहरुख देखा है जिसके हाथ में अभी कुरकुरे पकड़ा दूं ना तो अभी जूही चावला बन जाएगा। चंद्रमुखी, अगर तुम ऐसे ही पंच मारते रहोगे तो मैं लंदन चला जाऊं। इस गरीब को छोड़ के मत जाओ देव बाबू। तुम गरीब हो? हाँ, मैं तो इतनी गरीब, दो संतरे भी अफोर्ड नहीं करता। एक संतरे को काट के दो का गुजारा करना पड़ता है। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे बाबूजी। तुम गरीब और मैं
अमीर हूँ। अरे हमने तो अपना बाथरूम भी बनवाने के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए। हाँ। तो तुमने उसमें कौन से बैठ के पराठे खाने, डालना तो गंद ही है देव बाबू। और गंद डालने के लिए कितने पैसे खर्च किए? 15 लाख। 15 लाख खर्चना, यहाँ देखो 3 करोड़ रुपया लगाया सोनी चैनल वालों ने, डालते लोग यहाँ आके फिर भी गंद ही है। ऐसी बात मत करो, मत करो ऐसी बात। अरे डर लग रहा है, डर क्यों रहे देव बाबू? अरे तो चल मुझे बोले दो, एक तो तुम राजीव बने हो, ऊपर से मैं शाहरुख खान, आज तो सुहेल नंबर नहीं बल्कि धमकी देगा। सुहेल बाबू देने से याद आया, देने हैं तो 10 नंबर दे दो वरना गेट आउट हम होते हैं। ठीक है दफा करो, आपने कौन से घर से लाने होते हैं? नंबर की बात करते फिर एक्ट की बात करते। आपका जो चंद्रमुखी था वाज फैबुलस, मतलब आप राजीव ही थे चंद्रमुखी में। अर्थात ही देख लो, इनको भी पता चल ही गया। यू वर फैबुलस। अर्चना आपके चंद कुछ जुमलों के लिए, आपके कुछ हमारे ऊपर हमलों के लिए, और सुगंधा आपके 2 किरदारों के लिए, लेट्स पुट आवर मार्क्स वेयर आवर माउथ इज। हियर इट इज। प्लीज वेलकम मंत्रा एज वाइफ एंड विशाखा एज हस्बैंड। बहुत हॉट लग रही है भाई। गॉड की कसम, लड़की बनने के फायदे भी और नुकसान भी हैं। देखिए फायदा ये है कि आज जो ऑटो रिक्शा की स्ट्राइक है सबको मालूम है, मेरे को ऑटो वाले ने जरूर छोड़ा। आखिरी में उसका केवल हैंडल बचा, बाकी पूरी की पूरी ऑटो तोड़ दी गई। नुकसान ये है कि आईने में खुद को देख कर ना मेरी नीयत खराब हो रही है। भाई गॉड की कसम, खुद को देख के गर्म होना कैसी अजीब सी बात होती है। लेकिन आज करवा चौथ है। करवा चौथ के दिन भूखे रहना क्या होता है, ये कोई अर्चना से नहीं परमीत से पूछे। ये तो अपना व्रत भी रंपी के तोड़ देती है। मेरे को भूख लग रही है, अभी तक के वो चांद भी नहीं निकला और मेरा मुंह पति भी नहीं आया है। किधर है रे जल्दी आओ। सामान कैसे फैला हुआ? वैसे तुम खुद इतने फैले हुए हो, तब मैंने कुछ बोला जो सामान फैलने की बात कर रही हो तुम? मेरी बात मानो, मेरे साथ से तुम भी व्रत रख लो। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए? नहीं, तुम्हारी मोटी कमर के लिए। देखा अर्चना जी, कैरेक्टर चेंज हो गया, आवाज चेंज हो गई, लेकिन थीम वही है, मेरा मोटापा। तो पहले मेरे को ये बताओ तुम जाते क्यों नहीं हो काम पे? जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक तुम आओगे कैसे? कहाँ जाऊँ तुम्हारे काम पर? मैं तो कहता हूँ ये अजीब सा बिजनेस चलाते, बोलते बिजनेस करने जाऊंगा, कौन सा इनका लोअर परेल के 15वें माले पे ऑफिस है, साइकिल वाले मुंह से हवा भर भर के गैस वाले गुब्बारे भेजते। टेंशन ना कर मेरे पति देव, तेरे लिए तो मैंने यहाँ पे करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें? बता। जल्दी यहाँ से निकल लो वरना बाकी का हिस्सा भी मेरे को अकेला करना पड़ेगा। हाँ, जाती हूँ यार, पतियों की हालत हमेशा ऐसी होती है, पत्नी के सामने जबान बंद हो ही जाती है। अब मैं क्या करूं, ये तो चली गए हैं, ये कि जब तक आए तब तक गुलछर्रे उड़ाऊं, किसी और को बुलाऊं। हेलो राहुल। हाँ सुनो, वो रात को 12-1 बजे तक के आने वाले हैं, आ जाओ साथ में मिलके व्रत खोलेंगे। अरे आ गए, राहुल आ गया, राहुल आ गया। किधर है, एंट्री लेफ्ट से थी या राइट से, कोई बता तो दू। हवा में दौड़ रहा हूँ। तुम इतनी जल्दी आ गए? आ तो जी, घबरा क्यों करी है? नहीं नहीं, मैं ना जी, मैं तो क्या पाठ के लिए जा रही थी। आ तो जल्दी जा, 1 घंटे में तो खत्म हो जाएगा, फटाफट सुनकर वापस आ जा। नहीं नहीं, सुदेश लहरी जी का पाठ है, भूलते भूलते 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। झूठी नहीं की, बाहर जाने के रास्ते निकालती रहती है तू। साली मैं तो फंस गया तेरे से शादी करके। तू तो हमेशा से फंसा रहता था। शादी के हनीमून के दिन होटल का कमरा 5,000 रुपए, 20,000 का बिल आया, दरवाजे में फंस गया। दरवाजा तोड़ना पड़ा ना। हाँ तो अच्छा है ना, लोग पलंग तोड़ हनीमून मनाते हैं, हमने दरवाजा तोड़ हनीमून मना दिया, तो क्या हुआ? अरे रिकॉर्ड तो बन गया। अच्छा बताओ, तुम रिकॉर्ड नहीं बनाते, तुम कब्रे बनाते हो। कब्रे? कब्रे? शादी के दिन मेरी बहनें जूते चुराने के लिए गई, इनके जूतों में गिर गई।
चार गोताखोरों को 8 घंटे लगे रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो अच्छा है ना, खाते पीते घर के यार, तेरे जैसे नहीं भूखे लगे परिवार से। एक तो तेरे से मैं इतना प्यार करता हूँ और तू है कि मेरे तरफ देखती भी नहीं। तो क्यों करती इतना प्यार, तू अड़ोसी पड़ोसियों के लिए भी छोड़ दिया कल। सच्ची है, सच्ची है। मैं तेरे को ना छोड़ देती सच्ची कसम से। तो मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुम्हारे बिना, छोड़ते क्यों नहीं? नहीं मरेगा नहीं तो तुम मेरे को मारने के लिए मार दूँगी। नीचे गिर गया, अगर इतने में भी नंबर ना मिले तो यही ठीक रहेंगे। अच्छा ये शादी है या बर्बादी, आप ही बताइए। भैया मेरी तो आज बर्बादी हो गई, मतलब ये एक्ट देखकर मैं इतना हंसी हूँ, इतना हंसी हूँ। मंत्रा माय गॉड यू आर गॉर्जियस, एब्सोल्युटली गॉर्जियस, फैबुलस जॉब। थैंक यू सो मच। विनय मंत्रा जी नमस्कार। पाठक जी नमस्कार। आपके अंदर इतनी सुंदर करारी महिला छिपी है मुझे पता ही नहीं था। पाठक जी आपने कभी देखा नहीं था। मेरी तरफ से तो जी फुल मार्क है जी। थैंक यू पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुहेल मंत्रा यू आर फैबुलस सर, जितना आपको मजा आया वो जो मैं देख रहा था और आपको मजा आया उतना ही हमको मजा आया। बस तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए तो सुहेल जिस चांद के लिए ये इंतजार कर रहे हैं आप दिखाई दीजिए प्लीज। 9 points. अर्चना आज कुछ आपने कमाल किया है स्टेज पर, उसके लिए 10 points. Well done. Please welcome Kapil as lady beautician and Shweta as various characters. Oh my God! Oh my God, Vinay, once again. हमारा अभी फिनाले भी लिया है, तुम्हारी दूसरी फिल्म आ गई। टाइम लेके बनाया करो, अच्छी वाली बनाया करो। नहीं मतलब ये हिट से काफी नहीं, सुपर हिट बनाया करो बाबा, अच्छा लगता है। यू नो अर्चना, एक तो मैं इतनी हॉट, ऊपर से इतनी गर्मी, बाबा कोई टैक्सी भी नहीं आ रही कि टैक्सी वाले से पूछ लूं देरी को कौन सी बस जाएगी। हेलो लिफ्ट लिफ्ट। भैया भी नहीं बोला फिर भी रोकी नहीं गाड़ी कमीने ने। बेड़ा गर्क। यू नो अर्चू, मैं शिल्पा भारती एंड राखी, हम लोग 4 friends हैं। आज तक कभी लड़कों को मुंह नहीं लगाया, लेकिन इतने कमीने ना जबरदस्ती आगे मुंह लग जाते हैं। लेकिन आप बुरा मत मानना, आप तो मेरे बड़े भैया के चाचू के जैसे हो। बिल्कुल आप ही के जैसे हंसते थे, यू नो इतना हंसते थे, इतना हंसते थे ना कि 62 में जब चाइना के साथ जंग हुई ना तब मारे गए बेचारे। दोस्तों को गोली लगी उनके ऊपर हंस रहे थे, दोस्तों ने गोली मार दी। सुनिए ये आदर्श नगर की बस कहाँ से मिलेगी? आदर्श नगर की बस गोपाल नगर से मिलेगी। आदर्श नगर की बस आदर्श नगर से मिलेगी क्या? लोनावला से मिलेगी तेरे को। आ जाती है फुल स्लीव साड़ी पहन के डफर लेडी। साड़ी से आपका क्या मतलब है? देखिए मैं भारतीय नारी हूँ। अच्छा तू भारतीय नारी है, तो मैं क्या नागालैंड से आई हूँ? फिर भी ये साड़ी वाड़ी सब तेरा टाइम वेस्ट नहीं करते क्या? टाइम वेस्ट की क्या बात है, साड़ी पहनने में 5 मिनट नहीं लगते। नहीं नहीं पहनने की बात नहीं कर रही, उतारने में। बहुत कैसी कैसी बातें करती है। ए हेलो छोटा मुंह, ए छोटा मुंह। सुनना लंदन जाने वाली बस कितने बजे आएगी? अरे लंदन बस थोड़ी जाती है। तो क्या जाता है फिर? प्लेन जाता है। हाँ तो प्लेन कब आएगा? यहाँ थोड़ी आएगा, प्लेन के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना। ओ माय गॉड, तो मैं को सुबह से खड़ी हूँ, सारे प्लेन ऊपर से क्यों निकल रहे, नीचे क्यों नहीं आ रहे? मैड गाय। कितनी समझदार, क्या काम करती हूँ? जी मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा सिखाती हूँ। योगा सिखाती है तो बाबा का क्या जूस सेंटर है? सुन तू लड़की है, लड़कियों वाले काम किया कर, जैसे मैं करती हूँ मसाज पार्लर में। Yeah. आपका मसाज पार्लर है? yeah. आपके चार्जेस क्या है? चार्जेस में बताती नहीं हूँ किसी को। कस्टमर आते हैं ना मसाज कर करके सुला देती हूँ, फिर जेब में से निकाल लेती हूँ। I have different type of foot massages also. Oh, foot massage? Yeah. वैसे मैंने सुना है कि वो foot massage में वो fish therapy भी आई है, वो मछलियाँ करती है massage. उसमें क्या है, tub में ना मछलियाँ डालते हैं, तो फिर आपकी skin में जाके ठुसुक 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 करके ना dead skin खाती है। जब इसको पता चला ना मछलियाँ मसाज करती है, अपने फ्रेंड को समंदर में ले गया, उसका पाँव समंदर में डाल दिया, शार्क आई आधा पाँव खा गई।
कि ऊपर से पता क्या बोलता है कि तो शुक्र है तेरा एडिडास का मोजा बच गया। कैसा पागल आदमी। मेरी बस आ गई, मैं चलती हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अरे रुको, अरे बस देर से जाओ, बस गई। यू नो अर्चू, मैंने आपको एक बात बताना भूल गई। मतलब भगवान की कृपा से और पिताजी की चोरी से छोटा सा मसाज पार्लर चलाती हूँ। मेरे पिताजी तो लाइक ही नहीं करते मतलब कि मसाज वसाज करना, वो कहते तेरा वो बार वाला काम ठीक है। ये जो मेरे सब पुराने कस्टमर्स हैं, ये खालिद भाई, विराट भाई सब ना, जब तक मेरे से मसाज कराते ना टुच्चे, तब तक जिंदा थे। जिस दिन पकड़ गए सुसाइड कर लिया। इसलिए करना ही पड़ता था ना, जिस अवस्था में पकड़े गए थे, इंसानियत से विश्वास उठ जाता आदमी का। ए आइटम, वेलकम वेलकम सर, आइए बैठिए, बैठिए बैठिए सर, प्लीज बैठिए। आई लव बैठने को बोल रही है रे। प्लीज बैठिए सर, पहले मसाज करेंगे या करेंगे? मेरा मतलब पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सा मसाज कराना है। आपके चार्जेस बताओ पहले। चार्जेस सर ऐसे, हमारे यहाँ पे फेस मसाज, यू नो, नेक मसाज, शोल्डर मसाज, एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री इफ यू विल गिव मी अ किसी, यू नो। आप एक काम करो कि आप मेरा शोल्डर मसाज कर दो। शोल्डर मसाज, ओके, इसको खोलना थोड़ा जैकेट को। पहले कभी कराया शोल्डर मसाज? हाँ हाँ, कई बार। क्यों नहीं, मेरे को थोड़ा बता देंगे तो आइडिया रहेगा, मैंने कभी किया नहीं है। तुमने कभी शोल्डर मसाज नहीं किया? नो। फिर ये पार्लर कैसे खुला हुआ है? मेरे से कहाँ खुलता है, तो बाजू वाला नाई का लड़का ना, वो खुलता है शटर। आप कौन सा वाला करवाएंगे अभी? देखिए मुझे ना बॉडी मसाज कराना है। ओके, विद हर्बल ऑयल। ओके, आपके पास क्या क्या वैरायटी है? खुल के करो, मैं कौन सा मना कर रही हूं, खुल के करो, मेरे पास सब तरह का है। मेरे पास थाई मसाज है, चीनी मसाज है, नेपाली है, गढ़वाली है, श्रीलंकन है, जो आप कहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, यू नो। फॉर्म? या फॉर्म किस लिए? ये फॉर्म भरना पड़ता है बाबा। पिछली बार एक कस्टमर का नेक मसाज कर रही थी, तो ये गले में जो कौवा होता है ना, ये ढेंचू ढेंचू वाला, तो मैंने इसे सरसों का तेल लगाया कि थोड़ा सा ऐसे फिसल के पेट में चला गया। तभी इसको पेट पे बोलने के लिए माइक लगाना पड़ता है। वो कर, आपका कर दो ढेंचू ढेंचू। नहीं नहीं नहीं, बैठो ना बाबा। वैसे एक बात बताओ कि आपके इस पार्लर का कोई मेंबरशिप वगैरह है क्या? मेंबरशिप है ना, हम लोग साल बाद जो अच्छे मेंबर होते हैं उनको शिप पे लेके जाते हैं। फिर उनके साथ मतलब उधर जाके फ्रैंक हो जाते हैं, बाहर कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर मतलब जैसे कस्टमर सर्विस मतलब जैसे कस्टमर को मसाज करते करते जैसे मुजरा देखना, तो वो भी करके दिखाते हैं हम लोग। सुन, बाहर जाके किसको बताना नहीं मैंने तेरी मसाज की। ओके, क्यों? मेरे पापा को लाइक नहीं करते मेरे पापा, वो कहते तेरा बार वाला काम ठीक था, उनको अच्छा नहीं लगता मैं लड़कों को टच करूं, यू नो। तू पहले बार में काम करती थी? या। अरे बेवकूफ, क्या एड़ा बाप है, अरे बार में तो लड़के ज्यादा टच करते हैं ना। हां, तो पापा कहते वो ठीक है, वो लड़के वो जो करे करे, तू अपने हाथ में ले मत कर, ऐसे बोलते हैं। वैसे ये पार्लर कब से खोल के रखा हुआ है? मेरे को 3 साल हो गए जब से मम्मा का कैसीनो बंद हुआ ना, तब से। तेरी मम्मा का कैसीनो था? या। हो, क्या सॉलिड फैमिली है यार। तेरे फैमिली में किसी ने इज्जत वाला काम भी किया है क्या? किया है ना बाबा, क्या बात कर रही तू। मेरे दादाजी ने इतने इज्जत वाले काम किए, इतने अच्छे काम किए ना, कि जेलर ने खुश होकर 4 साल रेप की सजा कम कर दी उनकी। क्या बात कर रही तू। मेरा हेड मसाज कर दो। या, मैं लाइन जस्ट लिटिल, आप हेड मसाज, इसमें पैर डालो, इसमें पैर डालो। हेड मसाज करने के लिए पैर किस लिए? अरे बाबा, पैर से शुरू करके धीरे धीरे सर पे जाते, उत्सव नहीं देखी रेखा वाली। सीधा सर पे जाएंगे तो सक्सेस तेरे सर पे चढ़ जाएगा, इसमें पैर डालो बाबा। ये क्या बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट किडिंग बाबा, पीने के लिए लाई हूं, पैर डाल के चेक कर, गर्म तो नहीं ज्यादा। इसको पिलाएगी? अरे पीने में उसमें क्या है, मेरे को एक्चुअली चेक करना है कि खाली सबका है वैसे फ्लेवर आता है कि सिर्फ खाली मेरे पैर में ये सब फ्लेवर आता है। ग्रीन टी जैसा आता है ना बाबा। छी, डालने इसमें क्या हो गया? देख, तेरी बातों से ना मेरा दिमाग खराब हो गया, तू सिर्फ मेरा हेड मसाज कर, चल। ओके बाबा, हेड मसाज करती हूं, तू गुस्सा ही कर गया, टिपलू कहीं की बैठ जा रहा। हेड मसाज कितने टेंडर है बाबा तुम्हारे, ये खुद ही आया कि रेंट पे दिया इनको? पहले तेरा डैंड्रफ साफ करना पड़ेगा बाबा, तेरा डैंड्रफ निकालना पड़ेगा। एक तरह तेरा डैंड्रफ निकालूं पहले? अबे इडियट, तूने चलते एक्ट में मेरा विग निकाल दिया स्टूपिड। तो बाद में तेरे को निकालना है तो उसमें क्या है? देखो ये सूल है, जब भी जिधर ज्यादा रिस्पांस मिल जाए एक्ट उधर ही खत्म करने का। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं ना करते मैं इधर ही उतारूं अपना मैक्सी वाला। आपको कैसा लगा इनका एक्ट? मैं कपिल जी का एक्ट पहले देख चुका हूँ, हर 15 सेकंड पे एक लाफ्टर, वेरी नाइसली एंड क्यूटली डन, थैंक यू सो मच, आई रियली रियली लव इट, वंडरफुल। अर्चना, आई लव द एक्ट, आई थिंक इट्स नॉट वन ऑफ योर बेस्ट, लेकिन बहुत मजा आया, वेरी एंजॉयबल, थैंक यू मैम। सुहेल,
कपिल मेरे भाई, बिफोर श्वेता केम इन, आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट आप एक्टर हुआ करते थे और आपके साथ सपोर्टिंग एक्टर हुआ करता था. अभी आपकी जोड़ी है ऑफ अ टू हीरो फिल्म. थैंक यू. और जो कॉम्प्लीमेंट आप दोनों एक जो करते हो, फैबुलस. And as you said, आपने इनका विग निकाल दिया the right time, because आप जानते थे आप इनका विग निकाल. Even that is a one point extra from my side, yeah. So for me again, it is the intelligence of an actor of a pair which counts the most. Oh, thank you. Oh, 10 points. Archana, 9 points. Thank you so much. Please welcome Bharti as Baba and Siddharth as Sundari. ये कैसा है ए अर्चना, क्या रापची कमाल लग रही लिए? ए अपुन का नाम है आवन जावन बाबा. और बिडू पिंटिया कैसे? देखो आवन जावन बाबा के आशीर्वाद के कारण कहां से कहां पहुंच गया. बड़े पर्दे की फिल्मों में आता था, आज देखो अर्चना के साथ बैठा है. अपनी जिंदगी से भरेला है अपुन का मन. कुछ भी करने का मन नहीं करे. अपुन अभी ध्यान में बैठने लगा है, गंदी फिल्मों का ध्यान करने लगा है. क्योंकि अपुन का इधर सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है ना, तो ध्यान से ही फिर सब कुछ करना पड़ता है. चलो फिर हाय. क्यों देख रहे हो अपने चक्षुओं से मुझे? मैं जवान हूँ लेकिन अर्चना मैं तो बहुत साल पूरे जान हो गई थी, ये विनय का सब मालूम है. अरे इसने मुझे एहसास दिया था मैं बड़ी हुई हूँ. हाँ ठीक है भूल गया, लेकिन आज मैं मेनका हूँ. वाह वाह, आज इसमें बाबा की तपस्या भंग करने आई हूँ. बाबा पहचाना? कुछ याद आया बाबा? याद तो दूर की बात, अपुन तेरा चेहरा देखे चार चीज और भूल गया. बाबा मैं मेनका. ए तेरी बहन का. तब कब से हो बाबा इधर? ए सोहेल, ये नल्ली को समझा, अपुन कोई आजकल का बाबा नहीं है, परसों से इधर से बैठे लाए समझे. तो इस जंगल में आपको डर नहीं लगता? डरने की क्या बात है, वहाँ कभी कभार कोई शेर वेर आ जाए तो चड्डियाँ बदलनी पड़ती है. इतनी सारी चड्डियाँ? हाँ चार पांच बार शेर आया था ना आज. शेर की आवाज फिर से बदलोगे? ए अपुन ने इस बार डाला ही नहीं है. चल पलटी मार, अपुन को बहुत जोर से क्रोध आयला है. अरे क्रोध छोड़ो, आप मेरी मुद्राएं देखो क्रोध भूल जाओगे. ये देखो बजा, ये देखो बजा, ये देखो बजा, वाव, ये देखो बजा, बजा आसन 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 आसन. बाबा आप बहुत हैंडसम हो, चार्मिंग हो. बाबा बाबा मुझसे शादी करो. बाबा आई लव यू. ए नल्ली, कितना नल्ला स्टाइल है प्रपोज करने का, कोई नए स्टाइल में अपुन को प्रपोज कर. नया स्टाइल? हाँ फिर बाबा आप अपनी लाश को आग लगाने का मौका मेरे बेटे को दोगे. कैसी बातें करे लिए तू, अपुन कोई शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ेगा. क्यों पाठक? क्यों शादी के बाद ये गिफ्ट भी बहुत देना पड़ता है. अपुन तेरे को कोई हीरो वीरो का हार नहीं पहनाएगा समझी? नहीं मुझे नहीं चाहिए हीरो का हार, मुझे कुछ ऐसी चीज दो जो आज तक मैंने नहीं पहनी है. ए सोहेल इसको जेंट्स कच्छा दे दे. अच्छा लेकिन आज भी हमें वो चीज मिलेगी जो आज तक हमें मिली नहीं है. जैसी गंदी तूने अप्सरा की है ना, तेरे को 7 नंबर और 2 थप्पड़ बनते थे. नहीं 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 नहीं, 10 नंबर और 2 चुम्मी पड़ती है. ए नल्ली ये तो वही लोग बताएंगे कि अपुन को 2 थप्पड़ कि या चुम्मी बनता है अपुन का. बताओ ना कैसा लगा अपुन का एक्ट? तो है आपकी एंट्री से लेके आप दोनों, यू आर फैबुलस. थैंक यू सो मच.
अर्चना, I have to say one thing that जो ये जोड़ी पेश करती है स्टेज पर वो अनोखा होता है, उस एक्ट में दम होना हो, लेकिन my God, can anybody take their eyes off the both of you? No. So both of you are fantastic. सिद्धार्थ जी, जब तक आप यहाँ आके नीचे बैठकर आपने मुंह नहीं खोला, मुझे लग रहा था कि सचमुच आप साक्षात मेनका ही हैं. मतलब सुपर हिट थे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सुहेल, कितने नंबर देंगे आप? 9 points. अर्चना, इट्स अ 9 for me. 9 points. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे विनय. ही बना शी बना ही, और दोनों ने मिलकर आपको नॉन स्टॉप हंसी दी. आपकी इस नॉन स्टॉप हंसी के लिए हम ऐसे ही उटपटांग टोटल धमाल हरकतें करते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे. अपनी हंसी के अगले डोज के लिए हमसे फिर मिलिएगा कल ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.